फ्रेंड्स, मैं सारिका, आप सभी का सारिका क्लासेस में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कैसे किया। तो महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है 1030 में। उसकी मृत्यु के बाद जो सलजुक साम्राज्य है, जो कि सीरिया, ईरान, मावरा उनहर, जो कि जिसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं, तो सलजुक साम्राज्य शक्तिशाली हो जाता है और वो गजनवी के पुत्र मसूद को पराजित करके खुरासान से बाहर निकाल देते हैं और मसूद भाग करके ना लाहौर में शरण लेता है। इस समय तक मसूद के पास सिर्फ पंजाब और गजनी, सिर्फ यही जगह बसती हैं। बाकी सारे जो खुरासान का जो साम्राज्य था, वहां पर सलजुकों का अधिकार हो जाता है और पंजाब के माध्यम से मसूद बराबर गंगा यमुना के जो मैदानी भाग हैं, वहां पर आक्रमण करता रहता है, लूटपाट करता रहता है, लेकिन वो अपने साम्राज्य को बढ़ा नहीं पाता है। इसी बीच एक घटना घटित होती है। 12वीं सदी के मध्य एक बड़ा परिवर्तन आता है। ये वही 12वीं शताब्दी है जिसके बाद यूरोपीय व्यापारियों को जली मार्गों की खोज के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि 12वीं शताब्दी के बाद स्थलीय मार्गों पर ऑटोमन साम्राज्य का राज हो जाता है और वो यूरोपियों को व्यापार करने के लिए रास्ता जो होता है वो बंद कर देते हैं। तभी यूरोपी जली मार्गों की खोज के लिए बाध्य होती हैं और उसी के क्रम में वास्को डी गामा जली मार्गों की खोज करते करते भारत पहुंचता है और कोलंबस अमेरिका। देखिए, जब एक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तभी दूसरे मार्ग की खोज होती है, वरना अगर जो एक मार्ग स्थलीय व्यापार होता रहता तो जली मार्ग की खोज के लिए जरूरत ही नहीं होती। ये मध्य एशिया का परिवर्तन आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो सलजुक साम्राज्य है उसका भी अंत होता है तुर्की जनजातियों के द्वारा। ये तुर्की जनजातियां सलजुकों पर आक्रमण करती हैं और उनके साम्राज्य का भी अंत कर देती हैं। जब एक साम्राज्य बनता है, अपने चरम पर पहुंचता है और फिर उसका पतन होता है, यही क्रम ना इतिहास में बार बार दोहराया गया है। जैसे महमूद गजनवी, जो कि इतना शक्तिशाली योद्धा था कि उसको कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा और उसने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसके बेटे में वो बात नहीं थी। उसका बेटा इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल सका और वो सिर्फ गजनी और पंजाब तक ही सीमित रह गया। सलजुक साम्राज्य को उखाड़ फेंका तुर्की जनजातियों ने। अब जो ये गैप था, जो सलजुक साम्राज्य तो अब खत्म हो चुका, अब कौन हेड बनेगा, अब किसका साम्राज्य आएगा, इस गैप को भरने के लिए ना दो साम्राज्य सामने आए। एक था ख्वारिज्मी साम्राज्य और दूसरा था गोरी साम्राज्य। ये अभी हम बात कर रहे हैं ईरान और अफगानिस्तान की, जहां पर ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी के साथ भारत में राजपूतों के एक नए वर्ग का उदय होता है, जिनमें से कुछ अपने को चंद्रवंशी बताते हैं और कुछ सूर्यवंशी, जिनमें से कन्नौज के गहड़वाल, अजमेर के चौहान, मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल, दिल्ली के तोमर, गुजरात के चालुक्य, जबलपुर के कलचुरी और बंगाल के पालवंश। ये सारी चीजें आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि इनका संबंध मोहम्मद गोरी से है। जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है तो इनमें से सबका संबंध मोहम्मद गोरी से जुड़ा है। ऐसी कौन सी घटना घटी थी कि इन गोरियों को भारत की तरफ रुख करना पड़ा, क्योंकि जो ये जो तुर्की थे और जो मुस्लिम शासक थे, इनका जो इंटरेस्ट था, जो शासन करने का इंटरेस्ट था, ये हमेशा से पश्चिमी एशिया की तरफ था। भारत में अटैक तो ये सिर्फ धन लूटने के लिए करते थे, परंतु अब ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि इनको साम्राज्य विस्तार के लिए भारत पर ये अटैक करेंगे और अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे और यहाँ पर शासन करेंगे। इनका उद्देश्य अब ये होता है। अब मैंने जो दो साम्राज्यों की बात की थी, कौन कौन से साम्राज्य थे, एक था ख्वारिज्मी साम्राज्य और दूसरा था गोरी साम्राज्य। ये दोनों लड़ेंगे खुरासान के लिए। किसके लिए लड़ेंगे? खुरासान के लिए। ये दोनों युद्ध करेंगे खुरासान के लिए। ये वही खुरासान है जिसके लिए गजनवियों को हराकर सलजुक साम्राज्य ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था और अब ये दोनों साम्राज्य फिर से लड़ रहे हैं, जिसमें से ख्वारिज्मी साम्राज्य का ख्वारिज्म शाह इसकी जीत होती है और गोरियों को भागना पड़ता है। और गोरियों के पास
अफगानिस्तान होते हुए भारत पर आक्रमण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, मतलब कि वो अब अपना साम्राज्य भारत की तरफ बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जिसके क्रम में मोहम्मद गोरी गजनी पर आक्रमण करता है और वहां पर अभी मोहम्मद गौरी का जो पुत्र था महमूद वो शासन कर रहा था, उसको वो पराजित करके गजनी पर अधिकार कर लेता है। अब गजनी का पूरा कंट्रोल किसके ऊपर आ जाता है? मोहम्मद गोरी के ऊपर। अब मोहम्मद गोरी 1173 में, कब? 1173 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठता है और यहां से स्टार्ट होता है भारत पर शासन करने का दौर। तो अब जानेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी, जिसका उपनाम है शहाबुद्दीन महमूद और मुइजुद्दीन बिन सलमान, आप इन नामों को याद रखिएगा, क्योंकि अगर जो एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो मोहम्मद गौरी की जगह ये इसके उपनाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए इन नामों को याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठता है और फिर वो अब भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट करेगा। इसी क्रम में 1175 ईस्वी में गोमल दर्रे से होता हुआ मोहम्मद गौरी मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान को विजित कर लेता है, जीत लेता है, और 1175 ईस्वी में वो गुजरात पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, परंतु वहां पर उस समय शासक होता है भीमतुती, उसके हाथों उसको पराजय का सामना करना पड़ता है। किसे? मोहम्मद गौरी को। उस समय गुजरात का राजा था भीमतुती। भीमतुती उस समय अल्पायु थे, तो सारा कार्यभार संभाल रखा था इनकी माँ नायिका देवी ने। इसने नायिका देवी, भीमतुती की माँ का नाम था नायिका देवी, जिसने पूरा शासन का कार्यभार संभाल रखा था। समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी है, महिलाओं ने हमेशा अच्छे अच्छों को धूल चटाई है। इसी सब के चलते जो राजपूत शासक थे, जिनका जो राजपूत राज्यों का उदय हुआ था, उसके शासक साम्राज्य विस्तार के लिए एक दूसरे से युद्ध करते रहते हैं, जिसमें कन्नौज का राजा जयचंद, जो कि गहवाल वंश का है, और अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय तथा ये जो गुजरात का शासक भीमदुती, इनके मध्य ना युद्ध होते हैं, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान को हार मिलती है। राज्य विस्तार के लिए पृथ्वीराज तृतीय तथा भीमदुती के मध्य युद्ध होता है, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। अब यहाँ पर मिली हार की वजह से अब ये अपना विस्तार दक्षिण की साइड ना करके अब उत्तर की तरफ करते हैं और दिल्ली के जो तोमर थे उन पर आक्रमण करता है और उनको हरा करके दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता है। अब जो ये चौहान है, इनका साम्राज्य अजमेर से लेकर के दिल्ली तक पहुंच जाता है। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसने पृथ्वीराज तृतीय, जयचंद तथा भीमदुती को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। ये मैंने एक रफ स्केच बनाया है उस समय के राजस्थान का, जिससे कि आप उस समय की परिस्थितियों को समझ सकते हैं। तो ये है अजमेर, इसके नीचे पड़ता है गुजरात, और यह है यूपी का एक एरिया कन्नौज। तो गुजरात और अजमेर, गुजरात और राजस्थान के मध्य सुंदर सा प्रदेश पड़ता है माउंट आबू। यहाँ की राजकुमारी थी पवारी इंचनी, यहाँ की राजकुमारी का नाम था पमारी इंचनी, जिससे कि गुजरात की भीमवती को प्यार हो जाता है और पमारी इंचनी प्यार करती थी पृथ्वीराज तृतीय से और विवाह भी करना चाहती थी और विवाह हो भी जाता है, जिसकी वजह से भीमवती पृथ्वीराज तृतीय को अपना दुश्मन मान लेता है। अब पृथ्वीराज भीम कभी साथ नहीं देगा, ये आप याद इसलिए रखिएगा, क्योंकि जब वो उधर मोहम्मद गौरी से युद्ध होता है तो उसमें कौन कौन से शासक, कौन कौन से राजपूत शासक पृथ्वीराज की हेल्प करते हैं और कौन कौन से नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। और उधर कन्नौज का राजा था जयचंद गहरवाल। जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। उस समय संयोगिता का स्वयंवर चल रहा होता है, जहां से पृथ्वीराज चुटी उसको उठा लाता है और उससे विवाह कर लेता है। पृथ्वीराज और संयोगिता एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी कर लेती है। उस समय पृथ्वीराज की 13 रानियां थी, इतिहास गवाह है। हमेशा युद्ध किसके 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 मध्य हुए हैं? जड़ जोर और जमीन जड़, जिसकी वजह से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, मीन धन की वजह से, धन के लालच में आक्रमण किया, जोरू जिसकी वजह से ये युद्ध हो रहे हैं, और जमीन जिसकी वजह से आगे युद्ध होंगे। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें से पृथ्वीराज का साथ कौन कौन से शासकों ने नहीं दिया था, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको याद।
मोहम्मद गोरी जो कि सियालकोट तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुका था और उधर पृथ्वीराज चट्टी भी दिल्ली पर आक्रमण करके उसे उस पर अधिकार करके वहां का शासन कर रहा था। अब दोनों को साम्राज्य विस्तार के लिए चाहिए था पंजाब, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का आमना सामना होता है तराई मंडल के स्थान पर। युद्ध होता है 1191 ईस्वी में तराई का प्रथम युद्ध, जिसमें से पृथ्वीराज की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में दिल्ली का गवर्नर गोविंद राज तोमर, कौन? गोविंद राज तोमर, गोविंद राज तोमर ने पृथ्वीराज की हेल्प की थी और पृथ्वीराज का जो सेनापति था उसका नाम था किष्कंध। ये नाम आप दोनों याद रखिएगा। कहते हैं इस युद्ध में गोविंद राज द्वारा फेंके गए भाले से मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है और उसका जीवन बचाता है एक खिलजी नामक घुड़सवार। वो उसे बचा करके मुल्तान ले जाता है और फिर वहां पर फिर से वो अपनी सेना सुसंगठित करने लगते हैं अगले आक्रमण के लिए। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद एक प्लेस है तबर, जो आधुनिक बठिंडा कहलाता है, इसको लेकर के दोनों में झगड़ा फिर से स्टार्ट होता है। तबर हिल पर मोहम्मद गोरी भी अपना अधिकार चाहता है और उधर से पृथ्वीराज भी इस पर अपना अधिकार चाहता है, क्योंकि इसके माध्यम से पृथ्वीराज अपना विस्तार करेगा, पश्चिम की तरफ करना चाहता है और उधर से मोहम्मद गोरी चाहता है जो गंगा मैदानी क्षेत्र है उस पर आक्रमण करना। इसलिए बठिंडा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस पर जो पृथ्वीराज है इस पर घेरा डाल देता है और करीब 12 माह के घेरे के पश्चात यहां से वो मोहम्मद गोरी को खदेड़ पाता है और फिर से इस पर अपना अधिकार जमा लेता है। अब इसकी जीत से मोहम्मद गोरी संतुष्ट हो जाता है। अब वो तुर्कियों को इस यहाँ से जो मुल्तान का एरिया है वहां से खदेड़ने का प्रयास नहीं करता। संभवतः उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुर्की समय समय पर कई बार तुर्कियों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसी प्रकार ये भी एक आक्रमण हो और इसके बाद तुर्की स्वतः चले जाए, इसलिए शायद उसने प्रयास ना किया हो। लेकिन इसी का परिणाम उसे भुगतना पड़ता है तराइन के द्वितीय। कहते हैं तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उससे पूर्व पृथ्वीराज ने एक संदेश भेजा था, एक मैसेज पहुंचाया था किसके पास? मोहम्मद गौरी के पास। उसमें उसने कहा था कि अगर सियालकोट से आगे जो मोहम्मद गौरी है आक्रमण नहीं करेगा तो पृथ्वीराज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से उधर शासन करे और ये जो पृथ्वीराज है वो बठिंडा तक अपने शासन को रख करके संतुष्ट था। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा और 1192 में ही मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण कर दिया पंजाब पर और फिर से दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और ये युद्ध कहलाता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें से गोरी जीत जाता है, मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। इस पराजय का एक मुख्य कारण ये भी था कि जो पृथ्वीराज है उसका जो मुख्य सेनापति वही इस युद्ध में नहीं था, क्योंकि ये युद्ध एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। जो उधर से जयचंद था, कहते हैं इतिहासकार बताते हैं कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आक्रमण के लिए न्योता दिया था और वो ऐसा समय चुना गया था कि जब जो पृथ्वीराज है उसकी सेना कमजोर हो और उधर से जो मोहम्मद गौरी था उसकी सेना पूर्ण रूप से सुसंगठित होकर के पूरी तैयारी के साथ आई थी, तो इसलिए पृथ्वीराज की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब हम बात करेंगे चंद वरदाई की लिखी हुई एक पुस्तक, एक बुक है जिसका नाम है पृथ्वीराज शास्त्र। ये हिंदी काव्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। यहाँ पर इस बुक की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि पृथ्वीराज की मृत्यु अजमेर में हुई थी या उसे इस युद्ध के पश्चात गजनी ले जाया गया था। चंद वरदाई लिखते हैं अपनी पुस्तक पृथ्वीराज शास्त्रों में कि इस युद्ध के पश्चात जो मोहम्मद गौरी है ये पृथ्वीराज को बंदी बना करके ले जाता है गजनी और वहां पर उसे अपनी आंखें नीची करने को बोलता है। लेकिन एक राजपूत शासक अपने कभी आंखें नीची नहीं करेगा, इसलिए अपने सर को कभी नहीं झुकाएगा, इसलिए कहते हैं पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं और उसे अंधा कर दिया जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है।
चंद्रबरदाई खुद लिखते हैं, खुद बताते हैं अपनी इस पुस्तक में कि उन्होंने खुद मोहम्मद गौरी से बोला कि पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण चलाना आता है, लेकिन मोहम्मद गौरी इस पर विश्वास नहीं करता है और वो पृथ्वीराज को कारागार से बाहर निकालने का आदेश देता है और उससे शब्दभेदी बाण चलवाता है। यहाँ पर चंद्रबरदाई एक छोटा सा छल करते हैं, वो एक दोहे के माध्यम से पृथ्वी को सचेत कर देते हैं कि मोहम्मद गौरी का सिंहासन कितनी दूरी पर, कितनी ऊंचाई पर है और जो मोहम्मद गौरी कहां पर बैठा है। और वो दोहा था, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके जवान। इस दोहे को सुनकर के, इस हिंट को सुनकर के पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाते हैं और वो बाण सीधे जाकर के मोहम्मद गौरी के लगता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो पृथ्वीराज रासु है, ये पृथ्वीराज के ऊपर ही लिखी गई एक जीवनी है और उसके ही एक दरबारी ने लिखी हुई है, इसलिए इसमें काफी अतिशयोक्ति है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को कुछ समय के लिए अजमेर पर शासन करने के लिए छोड़ दिया जाता है और वो शासन करता है, लेकिन उसको भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके ना उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके प्रमाण है उस समय के सिक्के, उस समय की कुछ कॉइंस मिले हैं जिस पर एक तरफ उस समय की तिथि लिखी हुई है और साथ ही पृथ्वीराज, जो पृथ्वीराज तृतीय है, उसका चित्र अंकित है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मुइजुद्दीन शाह, जो कि मोहम्मद गौरी का ही उपनाम है। तो हो सकता है, मींस जब इसके प्रूफ है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक पृथ्वीराज चौहान ने वहां पर शासन किया हो और उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी गई हो। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है 1192 में। जो तराइन का दूसरा युद्ध है, ये उसी के कुछ समय की ही बात है। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात जो जीते हुए जितने प्रदेश थे उनका शासक, उसका कार्यभार कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था और विश्वास पात्र भी था, उसको सौंप करके वो गजनी चला जाता है। इस बीच में पृथ्वीराज का पुत्र दिल्ली छोड़ करके रणथंभौर की तरफ बढ़ता है और वहां पर अपना वो एक नया चौहान वंश का शासन स्थापित करता है। इधर कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहता है। पीछे मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई थी। ये कहाँ तक सत्य है, ये आप खुद समझ सकती हैं, क्योंकि अब मैं जो घटना बता रही हूँ उसके प्रमाण है। 1194 ईस्वी, मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करता है चंदावर पर। कन्नौज का शासक कौन था आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था, जयचंद गहरवा। जयचंद वही सहयोगिता के पिताजी। जयचंद पहले ये सोच रहा था कि मोहम्मद गौरी हम पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन मोहम्मद गौरी को तो साम्राज्य विस्तार चाहिए, वो अपने साम्राज्य को कैसे छोड़ सकता है, तो इसलिए अब वो अटैक करता है जयचंद और भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम दिया जाता है चंदावर का युद्ध या चंदवारा का युद्ध भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। इस युद्ध बहुत भयंकर युद्ध होता है। यहाँ पर जयचंद जीतने ही वाला होता है, एक तीर लगता है जयचंद को और जयचंद की मृत्यु हो जाती है। अब जब एक राजा की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी सेना तो स्वतः हार जाएगी, तो इस युद्ध में विजय फिर से मिलती है मोहम्मद गौरी को। चंदावर के युद्ध के पहले 1192 से 1194 के मध्य जब मोहम्मद गौरी गजनी में था, उस बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ साम्राज्यों, कुछ क्षेत्रों को विजित करके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। उसमें से कौन कौन से हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुजरात का राजा था भीमदुति, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीमदुति को हरा करके कलिंजर पर अधिकार कर लिया। कलिंजर के साथ साथ उसने महोबा तथा खजुराहो इन क्षेत्रों को भी ना अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और फिर उसके 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और अब उनका साम्राज्य हो जाता है यूपी तक। अब मोहम्मद गौरी की सेना बनारस होते हुए अब बढ़ती है बिहार की तरफ। बनारस को तो देवालय ही बोलते हैं, वहां पर इतने सारे मंदिर हैं, तो
बनारस के सभी मंदिरों को तहस नहस करते हुए, सब नष्ट करते हुए अब वो बिहार की तरफ बढ़ता है और बिहार पर अपना आक्रमण करता है, उसे भी अपने कब्जे में ले लेता है। अब मोहम्मद गोरी का शासन उधर पेशावर से लेकर के बिहार तक और साथ में नीचे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर, महोबा और खजुराहो यहाँ तक पूरा साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, जो कि काफी बड़ा था। अब मोहम्मद गोरी अपने ये जो सारे जीते हुए प्रदेश थे इस पर अलग अलग अपने विश्वास पात्रों को नियुक्त करता है और फिर से चला जाता है गजनी। उसने अजमेर में एक तुर्की सेना अध्यक्ष को नियुक्त किया। पेशावर, दिल्ली, पंजाब और जितने ये विजित प्रदेश थे यहाँ पर उसने अपने विश्वास पात्र कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया और बिहार का बिहार के शासन का कार्यभार दिया बख्तियार खिलजी को। इनको अपने शासन का कार्यभार सौंप करके वो गजनी वापस चला जाता है और पुनः पश्चिम एशिया को विजिट करने में लग जाता है, क्योंकि उसका रुझान पहले से ही था पश्चिम एशिया पर, लेकिन वहां पर मिली पराजय की वजह से उसे भारत का रुख करना पड़ा। अब जब वो पुनः वहां पर गया, क्योंकि उसने अपने भारत जो अभियान था उसका भारत पर उसने इतनी जीत हासिल की जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था और उसने फिर से पूरी तैयारी के साथ आक्रमण किया पश्चिम एशिया पर जो कि खुरासान था, लेकिन फॉरेन शासकों से उसे पुनः मार खानी पड़ती है और वो पुनः फिर से वापस लौट आता है गजनी। इसी बीच में पंजाब की एक लड़ाकू जनजाति थी जिसे बोलते हैं खोखर, ये काफी खतरनाक जनजाति थी। इसने लाहौर तथा गजनी के मध्य जो रास्ताएं थी, जो रूट था उसको बंद कर दिया था, क्योंकि काफी टाइम तक जो मोहम्मद गोरी है वो मुल्तान पर रहा था, वो आक्रमणों पर व्यस्त रहा था उधर, और बाकी जो इसके ये शासक है ये आगे और साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान देने में लगे हुए थे। इस बीच में खोखरों ने मौका पा करके लाहौर और गजनी का जो मार्ग था उसको अवरुद्ध कर दिया। जब मोहम्मद गोरी को ये चीज पता चली तो उसने इनको सबक सिखाने के लिए इन पर आक्रमण किया, जो कि मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण कहलाया। तो उसने इन पर आक्रमण किया, भयंकर रक्तपात हुआ और अंततः खोखर जो जनजाति थी इनके उपद्रव को दबा दिया गया। और जब मोहम्मद गोरी गजनी वापस जा रहा था तो वापस जाते समय भी 1203 में एक मुस्लिम कट्टर समर्थक था उसके द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया और सल्तनत का कैसे प्रारंभ हुआ, और साथ ही बख्तियार खिलजी जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरा तहस नहस कर दिया था, और इसके आगे की इसकी जर्नी कैसे थी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।